हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जैसे कैनवास पेपर पे गले की कटिंग जो है वो कैसे करनी है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जब भी हम इस तरह से कैनवास पेपर लेते हैं, जैसे कम ज़्यादा हो जाता है, हमारा बचा हुआ कैनवास रहता है, तो इसमें हम गला जो है वो कैसे कट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो गले की चौड़ाई जो है वो लेनी है, यहाँ पे हमारे गले की चौड़ाई बैठती है, तो इसीलिए हम इस तरह से लेंगे। तब देखिए, बंद बाजू जो है वो अपने साइड में हमने ली है। अब इसे हमें क्या करना है, जैसे एक इंच पे एक मार्किंग करनी है और यहाँ पे हमें गले की जितनी हमारी लंबाई होगी वो लेनी है। जैसे 8 इंच का गला है तो 8.5 इंच हमें लेना है। यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं। गले की चौड़ाई जो है वो लेंगे हम 2.5 इंच पे, और यहाँ पे भी हम 2.5 इंच लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें इसका स्क्वायर बनाना है। अभी यहाँ तक हमारी लंबाई है, तो यहाँ तक हम इस तरह से इसको कट करेंगे। अब जो भी गले की डिज़ाइन है वो आपको बनानी है। तो जैसे हम ब्रॉड गला जो है ब्रॉड बनाना चाहते हैं, तो इसमें जैसे गला जो है ब्लाउज का जो गला बनाते हैं, तो यहाँ पे हमें 1/2 या 1.25 इंच या 1 इंच, आपको जितनी ब्रॉडनेस चाहिए उतना थोड़ा ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा बाहर के साइड से इसको ब्लाउज का गला जो है वो लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमें इस तरह से जो भी आपको इस यहाँ पे हमें इस तरह से इसमें ज्वाइन करना है। अब देखिए, यहाँ पे हमें जो 2.5 इंच हमने लिया है इसमें आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पे भी हमें बाहर के साइड से इसकी पहले कटिंग करनी है। तो पहले हम बाहर के साइड से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो गले की डिज़ाइन हमने बनाई है उसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने गला जो है इस तरीके से इसको कट किया है। मैं आपको कपड़े के ऊपर रख के दिखाती हूँ, क्योंकि नीचे का जो बैकग्राउंड है ये भी वाइट है और पेपर भी हमारा वाइट है। ये देखिए, यहाँ पे हमें कपड़े के ऊपर रख के इस तरह से हमारा जो गला है ये इस तरह से आएगा। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको गले की जो कटिंग है वो आपको बताई है। इसके बीच में आप पैच वाला गला बनाना चाहते हैं तो ये पैच वाला गला भी अच्छा दिखता है, लेकिन जब हम पैच वाला गला बनाना चाहते हैं तो आपको इसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो इससे क्या हो जाता है, जितनी हमारी गले की डीप जितना हमारा गला होगा वहाँ तक आपका ये ओपन रहेगा, और उसके बाद जितना हमारा एक्स्ट्रा गला हम डीप लेते हैं उसमें हमारा ये पैच आएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, या राउंड शेप का भी आप इस तरह से पैच लगा सकते हैं, या सिंपल डेली यूज़ के लिए आप जैसे गले की जितनी हमारी लेंथ होगी उतनी आप लेके इस तरह से लगा रखोगे तो भी आपका जो गला है वो आपका परफेक्ट आएगा। तब देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको गले की कटिंग बताई है। लेकिन हम कुर्ती का गला जब बनाते हैं तो जैसे 2.5 इंच हम लेते हैं, या 2.75 इंच अब गले की चौड़ाई लेती है, उसमें आपको फ्रंट साइड का जो नेक है वो बनाना पड़ता है। लेकिन जब हम ब्लाउज़ का गला बनाते हैं तो जब जैसे 2.5 इंच हम ऊपर के साइड में 2.5 इंच और यहाँ पे भी 2.5 इंच लेते हैं, तो हमें हल्का सा ब्रॉड लेना है, जैसे 1/2 इंच 1/4 इंच गले की ब्रॉडनेस जितनी आपको अच्छी लगती है उतनी आपको रखनी है। और दूसरा, जैसे जब भी हम ब्लाउज़ की गले की कटिंग करते हैं तो पहले आपको पेपर के ऊपर कटिंग करनी है, उसके बाद आप कैनवास पेपर के ऊपर कटिंग करो, ताकि आपका कैनवास जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।